अब बता ना क्या करूं मैं। हेमल की बुराई? हाँ? ये बेस्ट है, हेमल की बुराई कीजिए तो बा को लगेगा सब कुछ नॉर्मल है। ये बेस्ट आइडिया है। हर्षद भाग। अरे तू आप पूजा का सब सामान अंदर ले जा, जा जल्दी। अरे जल्दा जल्दी। सरप्राइज। ये क्या कर रहा है तू? पता नहीं, मतलब कुछ काम नहीं था तो सोच रहा था कि क्या काम करूं। हाँ हेमल, हैप्पी बर्थडे प्रवीण भाई, हैप्पी बर्थडे। ये लीजिए आपकी सरप्राइज गिफ्ट, दो कैसेट्स। तुझे पता है प्रवीण, पिछले 2 महीने से हेमल एक एक रुपया रोज बचा रहा था तुझे ये गिफ्ट देने के लिए। बेशर्म ढोंगी चापलूस कहीं का, कैसेट देके मुझे झूठ मूठ का मस्का मार रहा है। हा? नालायक, वो तुझे इतने प्यार से भेंट दे रहा है और तू उसे धक्का मार रहा है। सुबोध, बात तो डांट रही है। हाँ तो डांटूंगी, सुबोध को क्या बोल रहा है? बाप प्लीज आज मत डांटिया प्रवीण भाई को, आज उनका बर्थडे है। प्रवीण भाई ये हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। लेकिन आप सब अचानक, आपका बहुत मन था ना पार्टी करने का, तो हमने सोचा हम सब मिलके पार्टी करेंगे, इसीलिए हम लोग जल्दी आ गए। वाह, मैं फटाफट शीरा बना देती हूँ। हाँ, और ये देखिए शरबत का नया फ्लेवर, आज तो पार्टी होनी ही चाहिए। तू सुबोध को क्या इशारे कर रहा है? नहीं, नहीं कुछ नहीं बा। प्रवीण, तूने मेरी गैर मौजूदगी में कुछ किया तो नहीं ना? नहीं नहीं बाप, मैं तो सुबोध से इशारे से ये कह रहा था कि मैं हेमल को साइड में ले जाके सॉरी बोल देता हूँ, खामखा डांट दिया मैंने इसे। ये हेमल तू ये ले, अपने हाथों से कैसेट खोल, टेप रिकॉर्डर में डाल और मुझे सुना, चल आजा। चारूबाला बेन, ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं। तो फिर ये पतीला लेकर बेसिन के पास ऐसे ही खड़ी है? क्या है इस पतीले में? चारू बाला बेन क्या कर रही हैं आप, क्या है इस पतीले में? कोल्ड ड्रिंक। इतना सारा और आप इसे फेंक रही थी? नहीं फेंकने का, मैं यही सोच रही थी कि इसका क्या करूं। वो क्या है ना, मैंने ना इस ग्लास में मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक बनाया तो सिरप ज्यादा पड़ गया, इसलिए फिर मैंने ना ऐसे इतना सा दूध लिया और उसमें मिला दिया तो दूध ज्यादा पड़ गया, फिर मैंने फिर सिरप डाला तो सिरप ज्यादा हो गया। एक्चुअली पहले ना मैंने इस छोटे पतीले में ही बनाया था, लेकिन फिर पता ही नहीं चला कब बनाते बनाते पतीला छोटे से बड़ा हो गया। आपकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, खासकर किचन का ये हाल और आपको इन कपड़ों में देखकर तो बिल्कुल भी नहीं। आप घर पे तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं, बाहर पहनने का मौका भी कहाँ मिलता है, और फिर क्या पता शादी के बाद ऐसे कपड़े पहनने मिले ना मिले। आपकी वजह कुछ जमी नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। हम लोग आए तब प्रवीण भाई और सुबोध भाई के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, और अब आप एक से बढ़कर एक कहानियां सुना रही हैं। सच सच बताइए चारूबाला बेन, बात क्या है?
बा की गैर हाजिरी में प्रवीण भाई ने पार्टी तो नहीं की? बलून बात देखिए कितने सारे बलून है। प्रवीण सुबोध कहाँ गया? तू हर बात में सुबोध को क्यों पूछता है? क्योंकि जवाब सुबोध देने वाला है, इसके पास तो कोई जवाब है ही नहीं। सच बता प्रवीण, तूने घर में पार्टी की है ना? नहीं बाब, मैं पार्टी कैसे कर सकता हूँ? आप वापस आने वाली है ये जानते हुए भी मैं पार्टी करूँ? तो फिर ये गुब्बारे किस लिए है? तूने गुब्बारों का नया बिजनेस शुरू किया? हाँ, मतलब गुब्बारों का बिजनेस नहीं, बिजनेस में मैं गुब्बारों का इस्तेमाल करने वाला हूँ। बा मैंने एक है ना एक स्कीम सोची है, ये साड़ियों के बॉक्स पे ऐसे गुब्बारे चिपका दूंगा मैं, तो पैकेट एकदम अट्रैक्टिव लगेगा। साड़ी के बॉक्स में बलून? बा उससे क्या होगा, औरतें क्या करेगी बलून का? अपने बच्चों को देगी खेलने के लिए। लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई वो औरतें क्या करेगी बलून का? वो खुद खेलेगी, तुझे कोई प्रॉब्लम है? देखिए ना माँ फिर से चिल्ला रहे हैं। तू इधर इधर इधर। प्रवीण तू इतना चिढ़ क्यों रहा है? मैं चिढ़ कर रहा हूँ बा? हेमल मैं उन्हीं औरतों को साड़ियां बेचूंगा जिनकी शादी हो चुकी होगी और जिनके बच्चे होंगे। हाँ लेकिन बा इनको कैसे पता चलेगा कि उनकी शादी हो चुकी है और उनको बच्चे भी हैं? मैं उनका मैरिज सर्टिफिकेट और बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट देखने के बाद ही साड़ी बेचूंगा। प्रवीण इतना झूठ बोलने से पहले जरा तो सोच, अभी वक्त है, सच बता दे। अभी सच बोल रहा हूँ तो कोई मान नहीं रहा। जय श्री कृष्ण बा, जय श्री कृष्ण मोटा भाई, बाप आ गए ना। प्रवीण भाई ये ऐसे उगठिया गिनने को है ना मुझको कंटाला आ रहा है, तो कुछ और कम देने को बोलो ना। तो सेव गांठिया गिन रहा था? तुझे किसने कहा सेव गांठिया गिनने को? सुबोध भाई ने। हाँ बा वो गट्टू फेल हो गया ना इस साल, इसलिए सुबोध ने इसका मैच पक्का करने के लिए इससे कहा कि जा तू सेव गांठिया गिन। एक गांठिया प्लस दो सेव इज इक्वल टू तीन सेव गांठिया। वाह। नहीं नहीं मजाक कर रहा था मैं। हाँ वो हर्षद की पढ़ाई डिस्टर्ब ना होना इसलिए सुबोध ने गट्टू को बिजी रखने के लिए कहा कि जा तू सेव गांठिया गिन। एक मिनट, लेकिन थोड़ी देर पहले इधर इतने सारे लोग आए थे और शोर मचा रहे थे, तो हर्षद भाई पढ़ाई छोड़ के क्यों आ गए इधर? कौन आया था गट्टू? गट्टू कौन लोग? म्युनिसिपैलिटी वाले बा, म्युनिसिपैलिटी वाले हमारे घर पे मोर्चा लेकर आए थे। वो हमारे घर के पीछे जो जगह है जो उन्हें चाहिए रोड कटिंग के लिए, और हमने उन पर केस कर दिया ना, तो वो लोग हमारे खिलाफ मोर्चा लेकर आए थे यहाँ। इतना शोर कर रहे थे बा कि बेचारे हर्षद की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। बोलो वो लोग म्युनिसिपैलिटी वाले थे? हाँ गट्टू। लेकिन वो लोग ऐसे ऐसा क्यों कर रहे थे? वो ऐसे ऐसे विरोध कर रहे थे गट्टू, ऐसे 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 नहीं मोटा भाई। अरविंद ये उनका विरोध करने का नया स्टाइल होगा। हाँ हाँ प्रवीण इधर आ बेटा। प्रवीण हाँ बेटा, सुबोध को तो मालूम है ना वो लोग म्युनिसिपैलिटी वाले थे? नहीं उसे मालूम है सुबोध भाई को, सुबोध भाई भी उन लोग के साथ में कर रहे थे ऐसा ऐसा विरोध। अच्छा तो सुबोध को पता है। सुबोध कोई सुबोध को इशारा नहीं करेगा, हिंट नहीं देगा, जो देगा वो मार खाएगा। सुबोध जी बा। सुबोध यहां थोड़ी देर पहले कुछ लोग आए थे, उसे मत देख, उसने कबूल कर लिया है,
उसे कबूल कर लिया है कि कुछ लोग यहाँ आए थे। बताया नहीं कि कौन लोग थे, तू बता कौन थे वो लोग। वाह, बता सुबोध कौन थे वो लोग। वो लोग भिखारी थे बा। हेलो, वो लोग भिखारी थे? हाँ गट्टू, कल ग्रहण था ना, ग्रहण के बाद वो भीख मांगने निकले। गट्टू तू बता भीख कैसे मांगते थे वो लोग? ऐसे डांसिंग भिखारी शायद। शायद तो खुद श्योर नहीं है कि कौन थे वो लोग। सुबोध भाई भूल गया आप भी तो भीख मांगते थे ना उनके साथ में। ऐसे ऐसे मतलब सुबोध तूने भीख मांगी वो भी अपने ही घर में? अरविंद मतलब रुक अभी तो बहुत कुछ जानने मिलेगा। चलो मान लिया कि वो लोग भिखारी थे, हर्षद को पता है ना वो लोग भिखारी थे? हाँ मालूम है हर्षद भाई को, हर्षद भाई भी भीख मांग रहे थे, लेकिन भीख मांगने की शुरुआत है ना चारू वाले मैंने की थी। ऐसे ऐसे दस ग्यारह बारह तेरह 13 रुपए तक भीख मांगी चारू वाला बहन ने। चारू की छोड़ो, हर्षद से पूछते हैं वो सच बताएगा। हर्षद हर्षद वो जो भिखारी हर्षद जब आएगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, पता है बा? मैं नजर रखूंगा। हाँ हाँ रख। हर्षद। हाँ बा। थोड़ी देर पहले जो यहाँ लोग आए थे। नहीं यहाँ कोई नहीं आया। इन दोनों ने कबूल कर लिया है हर्षद कुछ लोग आए थे, सिर्फ पार्टी थी ये ने कहा है। हाय होंगे बा, मैं तो पढ़ाई कर रहा था। अरे भोले इतना सब शोर हो रहा था और तुझे पता ही नहीं चला? गट्टू तो कह रहा था तो यही था नीचे। हाँ हाँ मतलब मुझे शोर सुनाई दिया था, मैं ये कहने आया था कि शोर मत मचाइए मुझे पढ़ना है। कौन थे वो लोग? गरीबों की सुनो। अब तू मार खाएगा, थप्पड़ पड़ेगा। हाँ, बोल अर्शद कौन थे वो लोग? फॉरेनर्स थे। वो लोग फॉरेनर्स थे डॉक्टर अर्शद? मुझे तो पता ही नहीं चला। वैसे मुझे शक तो हुआ था बा। प्रवीण भाई वो लोग फॉरेनर्स ही थे। बा क्या है हमारा मकान एयरपोर्ट से नजदीक है ना, तो देखने आए थे। उनसे किसी ने कह दिया कि यहाँ पार्ला में कुएं वाला मकान है, तो आके वेल ऐसा कर रहे थे। एक मिनट मतलब फॉरेन की म्युनिसिपैलिटी वाले भिखारी बन के हम लोग के उधर भीख मांगने को आए थे? ऐसे ऐसे लगता तो ऐसा ही है बेटा। और वो सफेद भिखारन जो अभी हम लोग के घर पे है वो भी फॉरेनर है। कौन? वो सफेद सफेद लड़की थी ना जो प्रवीण भाई के साथ में शादी करने वाली थी आपके कमरे में। प्रवीण मेरे कमरे में तू किसे लेकर गया था? तूने ऐसी गिरी हुई हरकत की? बोल प्रवीण किसे लेकर गया था? अरे बाबा वो सफेद सफेद लड़की को जो अभी भी आपके कमरे में है। नहीं 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 बा आपके कमरे में कोई नहीं है, मैं कसम खाता हूँ
कसम खा रहा है तो अब देखना ही पड़ेगा। चल हट। मैं भी चलूं। चल मैं भी आता हूँ। प्रवीण तूने ऐसी वैसी कोई गलत हरकत की है तो। अरे जो भी होगा अभी पता चल जाएगा ना। आप एक काम करिए, आप ना ये कपड़े बदल के आ जाइए, कल भी आप रिसेप्शन में यही कपड़े पहनने वाले हैं ना। अरे आप जाइए जाइए जाइए, कपड़े बदलिए, वो मेले हो जाएंगे। क्या प्रवीण भाई क्यों गड़बड़ करते हैं आप? बा ने आपको पार्टी के लिए मना किया था ना। आपको कैसे पता चला? चारूबाला बेन ने बताया। अब सोचिए आगे क्या करना है। अब हर्षद ने जो झूठ बोला है उसे कंटिन्यू करते और क्या। देखो अगर वो ज़िनोबिया पकड़ी गई ना तो हम लोग यही कहेंगे कि ये एक फॉरेनर है और हमारा कुएं वाला घर देखने आई थी, और वो नॉन वेजिटेरियन है इसलिए हमने बा को नहीं बताया, वरना बा हमें डांटेगी ना कि नॉन वेजिटेरियन लड़की को हमने घर में क्यों घुसने दिया। अरे पर छोड़ना, सब लोग सिर्फ यही वजह ध्यान में रखो। हाँ प्रवीण, कमरे में कोई नहीं है। नहीं है? नहीं है। देखा बा, मैंने तो पहले ही कहा था। देखा गट्टू की बात पे विश्वास करने का नतीजा। अब सच क्या है ये मैं आपको बताता हूं। वो म्युनिसिपैलिटी वाली लड़की आपके कमरे में इसलिए गई थी। फॉरेनर। हमने फॉरेनर फाइनल किया था ना। वो फॉरेनर लड़की आपके कमरे में इसलिए गई थी। रुक बड्डे बॉय, मैं नीचे आती हूँ। हाँ ये चौथी कहानी तो मुझे सुननी ही पड़ेगी। और ज़ैनबिया ऊपर नहीं है तो गई कहाँ? प्रवीण भी है ना, कुछ ना कुछ तो उसने जरूर किया होगा। तुम आ गए डार्लिंग। मम्मी पापा को साथ लाए कि नहीं? चलो अब हम दोनों इस कमरे में शादी कर लेते हैं। चलो 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 शादी करते हैं। प्रवीण तुम इतने लंबे कैसे हो गए? टॉवल पहना है? परवीन यू आर सो नॉटी। परवीन क्या है? अरवीन बा क्या हुआ? अंदर कमरे में एक लड़की है। क्या प्रवीण भाई? सरेंडर कर दो। चल अब बा, मैं आपको सच बता देता हूं। अंदर जो लड़की है उसका नाम ज़िनोबिया है और मैंने घर में पार्टी की थी। और ये तू हाथ उठा के क्यों बोल रहा है? क्योंकि मुझे पता है कि आप सीनियर ब्रांच पे की रिवॉल्वर लाके मुझे गोली मार देंगी। परवीन अरे तुम भाग के कहां जा रहे हो? तुम टॉवल में हो ना, और भी हैंडसम लगते हो। बा उसे मत देखो, मुझे गोली मारो। हाय बा। अरे जरा सोचो, अगर उस पागल लड़की के साथ प्रवीण ने जबरदस्ती शादी की होती तो आज प्रवीण की क्या हालत होती है? इसलिए कह रहा हूं कि जहां माँ बाप कहें वहीं शादी करने में ही बच्चों की भलाई है। इसलिए कह रहा हूं जिगर की जहां बा कहे वहीं तू शादी करेगा, समझा?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।